बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां एक ओर अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहां के संभवतः विश्व के सबसे प्राचीन मानव समुदाय के लिए विश्व भर में चर्चित है। यहां 6 प्रकार की आदिम जनजातियां निवास करती हैं। ये मंगोल और नेग्रिटो मूल के अंतर्गत आती हैं। निकोबार द्वीप समूह में मंगोल वर्ग की निकोबारी और शोम्पेन है, लेकिन अंडमान द्वीप समूह में विश्व की अति प्राचीन नेग्रिटो जनजातियां जारवा, ओंगी, ग्रेट अंडमानी और सेंटिनली हैं। निकोबारी समुदाय सालों पहले सभ्यता की राह में तेजी से आगे बढ़ते हुए मुख्य धारा से जुड़ चुका है। अन्य जनजातियों में ग्रेट अंडमानी और ओंगी कमोबेश सभ्यता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जारवा अपनी पारंपरिक जीवन शैली में रहते हुए सभ्यता की ओर बढ़ने से संकोच करते हैं। सेंटिनली एक ऐसी जनजाति है जिसे आज तक संपर्क नहीं हो पाया है। संपर्क की कोशिश भी की गई तो इनके नुकीले तीरों का सामना करना पड़ा। सेंटिनली को छोड़कर अन्य जनजातियों के साथ मैत्री संपर्क अभियान 80 के दशक में कुछ हद तक सफल रहे। इन अभियानों के माध्यम से इनकी जीवन शैली को समझने का मौका मिला। इन जनजातियों में महिलाओं का समान अधिकार व स्थान देखा गया। 3 या 4 परिवार मिलकर एक दल बना लेते हैं और मिलकर शिकार या भोजन संग्रह करते हैं। इनकी लोक कलाएं भी बड़ी अनूठी हैं। अपने शरीर को सजाने में ये काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। सफेद चिकनी मिट्टी से ये अपने शरीर में धारियां बनाते हैं। सीने के कवच को भी 2-3 रंगों के पत्रों से सजाया जाता है। वनों में पाए जाने वाले वनस्पतियों का इस्तेमाल ये मालाएं आदि बनाने में करते हैं। इसके अलावा सीपी, पत्थरों का हार, बाजूबंद या कलाइयों पर भी आभूषण का व्यवहार करते हैं। 1980 के दशक में जारवा मैत्री संपर्क अभियान को कुछ गति मिली थी। अभियान दल के सदस्यों के साथ जारवा कुछ सहज दिखने लगे। वे अभियान दल की ओर से दिए जाने वाले उपहार को ग्रहण करते और अच्छा महसूस करते। उसी दरमियान अभियान दल को उनकी लोक कलाओं को जानने का मौका मिला। शरीर पर चित्रकारी करने का उनका तरीका जितना अद्भुत है, उतना ही आकर्षक उनका लोक नृत्य भी है। ये लोग एक दूसरे के कमर पर हाथ रखकर घेरा बांधकर नाचते हैं। अपने हाथों को अपनी जांघों पर मारकर आवाज करके नाचते हैं। एक ही ताल में घुटनों को मोड़कर फिर हाथों को फैलाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य को तालोहा कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एक पैर को घुटने से मोड़कर दोनों हाथों से पकड़कर हल्के हल्के कूदते हैं। इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी किया जाता है। वे नाचते हुए आगे पीछे भी गति करते हैं। इसमें हल्के से कूदकर हिलते हुए बाएं से दाएं की ओर थोड़ा झुकते हैं, जबकि दोनों पैर जुड़े होते हैं। अपने पैरों को इसी स्थिति में रखते हुए ये इसी प्रक्रिया को सामने और पीछे की ओर झुककर दोहराते हैं। छात्र कलाकारों ने इस लोक नृत्य को सीखने में काफ़ी रुचि दिखाई। शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये स्थानीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के संग्रहालय गए। संग्रहालय में मौजूद पुस्तकों का अध्ययन किया। लोक नृत्य के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सामग्रियों और आभूषणों के बारे में जाना। मानव विज्ञानियों के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रखीं। देश में अपनी तरह का पहला अद्भुत संग्रहालय पोर्ट ब्लेयर स्थित काला पानी संग्रहालय गए। लोक नृत्य आदि के दुर्लभ फोटो देखे। संग्रहालय के निदेशक और इतिहासकार मुकेश्वर लाल से इन छात्र कलाकारों को लोक नृत्य शैली के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। जानकारी प्राप्त करने के बाद छात्र कलाकार लोक नृत्य के लिए उसी प्रकार के प्राकृतिक आभूषण बनाने के लिए संग्रह अभियान में निकल पड़े। खास प्रकार की वनस्पतियां इकट्ठी की गईं, समुद्र तट से सीपियां और कौड़ियां जमा की और फिर प्राकृतिक आभूषण बनाने में जुट गए। साथ साथ नृत्य का उनका अभ्यास भी जारी रहा। जारवा नृत्य के बारे में उपलब्ध सीमित संसाधनों के अध्ययन से पता चला कि जारवा नृत्य के दौरान ताली बजाकर लय ताल तैयार करते हैं। समूह में टीम भावना के साथ काम करना इन छात्र कलाकारों ने
इस प्रस्तुति की तैयारी के दौरान सीखा। हालांकि हमने बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिए, पर जब हमें पता चला कि कला उत्सव की बारी आई है तो हमें बहुत आनंदित हुआ और हम बहुत प्रसन्न हुए। और जब मालूम चला कि जरवा डांस करना है और ये बहुत रिदिमिक है और इसमें ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किए जाते हैं। जारवा आदिम जनजाति के इस नृत्य के गीत में जारवा बोली के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। इसके लिए मानव विज्ञानियों के शोध कार्यों को दर्शाती उनकी पुस्तकों की मदद ली गई है। मैम को मुझसे सुना कि हमें जरवा डांस करना है, तो हमें जरवा डांस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो हमने जरवा डांस के बारे में रिसर्च की। इससे पता चला कि जरवा डांस का इंस्ट्रूमेंट बहुत कम यूज़ होता है, रिदमिक है पूरा डांस का स्टाइल हमें थोड़ा पता चला। मुझमें थोड़ी जिस एबिलिटी है, मुझे काम करने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। संवेदनाओं का मानव के साथ अटूट संबंध होता है, जीवन यात्रा में ये सदैव उसके साथ साथ चलती हैं। मन में उसकी तरंगे आंदोलित होती रहती हैं और जब मन प्रसन्न होता है तो संगीत की स्वर लहरियां अपने आप डोल उठती हैं, कदम सुरताल में थिरक उठते हैं।